यारो और बताओ फिर आपके हाल चाल सब कैसे चल रहे हैं। सब बढ़िया है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस अंकल और इस आंटी की तरफ। इस आंटी मतलब कि ये आंटी इस अंकल के साथ वीडियो बनाती थी, तभी नीचे लोग कमेंट करते थे कि अबे अपने पापा के साथ वीडियो बना रही है, अपने ताऊ के साथ वीडियो बना रही है, या फिर तो अपने दादा के साथ वीडियो बना रही है। यानी कि आंटी को बहुत ही बुरा भला बोलते थे कि आंटी तुझे शर्म नहीं आती, तू इतने बड़े बूढ़े के साथ ऐसी ऐसी वीडियो बना रही है। तभी आंटी को आ गया गुस्सा। आंटी ने कहा कि साला अब तो इन लोगों की गेम बजानी पड़ेगी। आंटी आ गई गुस्से में, कर लिया कैमरा ऑन और क्या क्या बोला देखो आप। तो गाइस ये मेरे घर वाले हैं, कोई दादा और कोई ताऊ और कोई बुड्ढा नहीं है ये, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। तो गाइस कृपया करके ये कमेंट सुन लिया मित्र, सुन लिया। ये अंकल इस आंटी का पति है, इसलिए उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलना। लेकिन अंकल मुझे प्लीज एक बार बता दे कि क्या तुमने ऊपर वाले को कोई रिश्वत वगैरह दी है क्या, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत बिल्कुल बढ़िया लिखी है। इस आंटी की तरफ देखो, इसकी शादी नहीं हुई। बोलती है कि अरे मोदी जी शादी तो मेरी नहीं हुई, मुझे बच्चा पैदा करने का कोई मंत्र बता दो। यानी कि ये बिना शादी के ही बच्चा पैदा करने की स्कीमें लगा रही है। और देख रहे क्या क्या कह डाला इसने। मोदी जी वीडियो के चक्कर में ब्याह तो हो ही नहीं पा रहे, बच्चा ही करने का कोई मंत्र हो तो बता दो हमें। न्याय न राज्यम लवणे न भोज्यम। सुन लिया मुन्नी, पड़ गई कलेजे को ठंडक। अब तुम डेली रात को 3 बजे उठकर इस मंत्र का नॉन स्टॉप 1 घंटे तक जाप करना, तब तुम्हें बिना शादी के ही बच्चा हो जाएगा और बहुत ही सुशील बच्चा होगा। अबे तू शादी ही कर लेना इससे अच्छा। लेकिन नहीं, ये तो शादी के बिना ही बच्चा पैदा करना चाहती है। मित्रों ये तो वही बात हो गई कि दिवाली अभी आई नहीं लेकिन पटाखा तो पहले ही फोड़ दिया। वही हिसाब हो गया इसका। अबे मुन्नी जाकर शादी कर और किसी गरीब का भला कर दे और फिर बच्चा भी पैदा हो जाएगा। लेकिन नहीं, अलग ही स्कीमें लगा रही है मुन्नी। यारो ये जो आजकल के ट्रेंड है ना, ये किसी वायरस की तरह फैलती जा रही हैं। इधर देखो दोस्तों, ट्रेन में आ रखी थी किन्नर और यार बिल्कुल ट्रेंड के साथ चलती है। क्या गाना गाया है यार, बहुत ही मज़ेदार है। सारी ऑडियंस यानी कि सारे मुसाफिर बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। देखो यारो ट्रेंड की बात चल रही है तो इस आंटी की तरफ देखो, ये तो ट्रेंड को किसी अलग ही लेवल पर ले जाना चाहती है। आपको लग रहा होगा कि इसने अपने कपड़ों में ऐसे घास डाल रखी है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये ऐसी घास को बाहर निकाला। नीचे देखो दोस्तों, पूरी की पूरी मूली। अबे इतनी बड़ी मूली कहाँ से मिलती है, इतनी बड़ी मूली तो मैंने भी आज से पहले कभी भी नहीं देखी। पता नहीं दोस्तों आखिर कहाँ ये आंटी खेती करती रही। बता दे आंटी हमें भी, कहाँ है तेरे खेत, आखिर कौन सा बीज लगाया था यो कि इतने बड़े बड़े मूले हो रहे हैं। खैर दोस्तों पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी सब्जियां हैं, और ऊपर से आंटी ने कपड़ों में घुसा ली। अरे क्यों आंटी, हाँ तू ऐसा भी दिखा सकती थी। लेकिन आंटी बोलती है कि देखो देखो पूरी 3 फीट की मूली। और यार इस आंटी को ही देख लो मित्रों, ये तो एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है। इसका भी अभी तक बच्चा कोई भी पैदा नहीं हुआ, अरे शादी तक भी नहीं हुई, लेकिन अपने होने वाले बच्चों से माफी मांग रही है। दोस्तों इनका मेंटल लेवल अलग ही लेवल पर जा चुका है। देखो मैं हाथ जोड़ के अपने होने वाले बच्चों से माफी मांगना चाहती हूँ, तुम्हें पैदा होने में इतनी देरी हो रही है क्योंकि वो कुत्ता बाप तुम्हारा रिप्लाई नहीं दे रहा। साला मित्रों क्या क्या देखना पड़ेगा, यानी कि बच्चे पैदा नहीं हुए लेकिन माफिया मांग रही है। खैर इस आंटी की तरफ देखो, अबे तुमको इंस्टाग्राम का पता किसने बता दिया, अबे कोई इस आंटी से मोबाइल छीन लो, नहीं तो ये नाच नाच कर पूरे मतलब कि सोशल मीडिया की ऐसी की तैसी कर देगी। अरे आंटी तुम जाओ रोटी बनाओ, ऐसे मत करो, तुम्हारा राजू दिहाड़ी पर गया होगा, दिहाड़ी लगा रहा होगा, खून पसीना एक कर रहा होगा तुम्हें खाना खिलाने के लिए, और तुम इधर मोबाइल ऑन करके ऐसे ऐसे उछल रही हो, बहुत ही गलत है आंटी, बहुत ही गलत है। ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपने पति की माला जपनी है और अपने बच्चों का ख्याल रखना है ताकि तू बिल्कुल आदर्शवादी मम्मी बन पाए, क्योंकि ये सब ऐसे सोशल मीडिया पर नाचना अच्छी बात नहीं है। नाचने के लिए और बहुत मुन्नियाँ हैं, बहुत अच्छे से मनोरंजन कर देती है, आपका ऐसे उछल उछल करना ज़रूरी नहीं है। खैर यहाँ पर देखो दोस्तों, आंटी बना रही है अंकल जी के साथ वीडियो। अरे आंटी तुम्हारा ये ताऊ मतलब कि ताऊ दादा वगैरह
वगैरह तो नहीं है? लगता है कि यार पति, यार पति होगा मित्रों, आजकल के अंकल अलग ही किस्मत लेकर बैठे हैं। पता नहीं इनको पेंशन मिलती है, नौकरी करते हैं, या फिर ऊपर वाले को रिश्वत देकर आए हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता। ये साला हमको अपना भेद देते नहीं है। अरे बता दिया करो अंकल, आजकल के जवानों का भी भला हो पाए। फॉलो करो यार सब्सक्राइब बटन को, उखाड़ फेंको। डेली शाम 4-5 बजे आपको नई वीडियो मिल जाया करेगी, है ना? हंसते रहा।